वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम गूंदे का अचार बनाएंगे, जिसे हम लसौड़े का अचार भी कहते हैं। ये हमारा 7 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गूंदे 1/2 kg, 1 केरी, 300 ml ऑयल, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टेबल स्पून और राई 2 टेबल स्पून। ये मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और ये बॉईल हो गया है। अब हम इसमें गूंदे डालेंगे। पानी मैंने तेज गरम किया है और हम गूंदे की कैप नहीं हटाएंगे, इससे हमारे गूंदे में पानी नहीं घुसेगा। गूंदे डालने से पानी का टेम्परेचर कम हो गया है। अब हम इसे उबाल आने तक बॉईल करेंगे। हमें फ्लेम को हाई ही रखना है। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 1 मिनट और बॉईल करेंगे। अब हम इसे एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। ये हमारे गूंदों को 1 मिनट भी हो गया है और ये बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम केरी को छिलेंगे। अब हम कटर की सहायता से ऐसे केरी को छिल लेंगे। अब हम इसे इस साइज के पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमने केरी को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम गूंदे की कैप हटा लेंगे और इसे आधा फोड़ लेंगे। हमें इसे अलग नहीं करना है। गूंदे को ऐसे फोड़ने से इसमें मसाला अच्छे से अंदर चला जाता है। कैरी को हम 2 घंटे के लिए फैन के नीचे रख देंगे और गूंदे को हम 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, ताकि उसका बॉयल करा हुआ पानी सूख जाए। अब हम तेल को तेज गरम करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारे गूंदे 2 घंटे में अच्छे से सूख गए हैं। इसका पूरा पानी सूख गया है। अब हम अचार तैयार करेंगे। हम सबसे पहले गूंदे डालेंगे। इसमें हम कैरी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप ये स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 3-4 दिन बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें राई डालेंगे, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ताकि गूंदे से मसाला अच्छे से चिपक जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सौंफ और कलौंजी डालेंगे और इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें हमारा अचार डालेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। हमें तेल इतना डालना है जिसमें हमारा अचार अच्छे से डूब जाए, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी। अब हम इसके 4 दिन तक कपड़ा बांध कर रखेंगे और इसे रोज़ एक बार हिलाएंगे। हम इसे चम्मच से पूरा अच्छे से हिलाएंगे। ये हमारे अचार को 7 दिन हो गए हैं। 4 दिन बाद मैंने इसके कपड़ा हटाकर इसके ढक्कन लगा लिया था। ये देखिए हमारा अचार कितना अच्छा बना है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें।